पहले प्यार, फिर शादी और धोखा, फिर मौत। इस प्यार, शादी और धोखे के बीच तबाह हो गई तीन जिंदगियां। सिवान रेलवे स्टेशन पर हुए हत्या के मामले में रेलवे पुलिस ने बेहद ही सराहनीय कार्य करते हुए मात्र 24 घंटे में केस को सुलझा लिया। आपको बता दें कि रविवार के दिन करीब 2:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिस रेल यात्री की हत्या हुई उस व्यक्ति का नाम फैसल इमाम था। देखिए, घटना 2:40 पर है। सिवान के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक मोहम्मद फैसल की हत्या हो जाती है, जो कि गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर का निवासी था। फैसल अपने पत्नी के साथ, जिसकी शादी 1 पहले ही हुई थी, सिवान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कारगोदाम से आने वाली बाघ एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था। फैसल को कोलकाता जाना था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उसकी पत्नी ने ही रच दिया इस हत्या की साजिश। उनको कोलकाता जाना था, इसी क्रम में अपनी पत्नी के साथ थे, उनकी हत्या होती है। सूचना पाकर शीघ्र जिले के वरीय ऑफिसर्स के साथ सभी का यहाँ पे तत्काल आगमन होता है, और फिर हम लोगों ने नेतृत्व करके रेल पुलिस अधीक्षक महोदय के स्वयं की उपस्थिति में, यहाँ उनकी निगरानी में, तत्क्षण तकनीकी अनुसंधान के उपरांत कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए और शीघ्र ही गिरफ्तारी 24 घंटे के अभ्यंतर सुनिश्चित की गई। रेलवे एसपी अशोक कुमार सिंह के मुताबिक फैसल की पत्नी एक प्रेमी जिसका नाम अजरुद्दीन अज्जू, जो नगर थाने के नौनपुर का रहने वाला था। अज्जू और फैसल की पत्नी के बीच शादी के पहले से ही अफेयर था। हत्या के बाद रेलवे के तेज तरार एसपी अशोक कुमार सिंह और डीएसपी तनवीर अहमद ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए इस मामले से पर्दा हटाया और हत्यारे अज्जू और उसकी प्रेमिका को पकड़कर जेल भेज दिया। और अभियुक्त की निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद किया गया और संवेदनशील घटना हो गई, जिसका चुनौतीपूर्ण तरीके से हम लोगों ने इस घटना को लिया और त्वरित अनुसंधान और उद्भेदन करके अपराध कर्मियों की और सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हम लोगों ने की। इस केस का अनुसंधान तुरंत प्रारंभ किया गया, एक स्पेशल टीम बना के अनुसंधान प्रारंभ किया गया, तकनीकी अनुसंधान किया गया। तकनीकी अनुसंधान के उपरांत कांड घटना को अंजाम देने वाले जो हत्यारे थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उनका नाम अजहर उर्फ अजरुद्दीन उर्फ दुलारे, इनके पिताजी मोहम्मद नसरुद्दीन साकिम नवलपुर, नगर थाना के सिवान के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके द्वारा सारे मामले को बताया गया, इनके द्वारा घटना पारित किया गया था, एक्सेप्ट किया गया। इस घटना को कारित करने में ये अकेले थे और मृतक की पत्नी भी इनसे लगातार संपर्क में थी। लंबे समय तक अजरुद्दीन और मृतक की पत्नी का अफेयर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया।